शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रुक जाओ बेटा, ये रो क्यों दिया माई? किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। बेटा, सगाई से पहले अंगूठी पहनाना अपशगुन होता है। लेकिन थोड़े दिन बाद तो हमारी शादी होने ही वाली है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर इसीलिए तो हम कह रहे हैं थोड़े दिनों में तो होने ही वाली है ना सगाई, और सगाई के दिन तो यश जी तुम्हें अंगूठी पहनाएंगे। कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। बेटा, आपके लिए अदरक वाली चाय और आपके पसंद वाले पकौड़े बनाए हैं, खाइए। आप नहीं, वो बैठिए। पर मुझे रिंग पहन के देखनी है कैसी लगेगी। यश, मुझे रिंग दो। मैं नहीं पहन सकती, लेकिन तू तो पहन सकती है ना। तेरी तो ना शादी हुई है और ना ही सगाई। क्या कर, अंजलि देख कितनी सुंदर लग रही है रिंग तेरे हाथों में। है ना यश? अब क्या हुआ? फंस गई अंगूठी, निकल ही नहीं रही है। एक सेकेंड मुझे दे, मैं निकालती हूँ। रुक जाओ, हम निकालते हैं, रुको। इधर ला। यश बेटा, अरे बैठिए, इसे संभाल के रखिए और नाश्ता करिए, आप ठंडा हो रहा है जी। दिखा ना, कितनी सुंदर है ना। यश जी, हमें लगता है कि आप ऋचा के साथ जल्दी अपने घर पहुंच जाइए, बाकी सब लोग भी वहीं हैं, और आप सब मिलके बड़े दादू से शादी की तारीख निकालने के लिए कहेंगे ना, तो वो मना नहीं कर पाएंगे। आई थिंक अंजलि एकदम ठीक कह रही है। हाँ, हम दोनों मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे तो बड़े दादू जल्दी मान लेंगे। हम भी साथ चलें क्या? हमें बड़े दादू से माफी मांगनी है। किस बात की माफी अंजलि? जब तूने कोई गलती की है ना, तो फिर गलती की हो या ना की हो ऋचा, लेकिन बड़े दादू हमारी वजह से नाराज होकर गए हैं ना। वैसे भी बड़ों से माफी मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए। ओके, मेरी माफी क्वीन, चल जल्दी। घर में घुसने से पहले ही मरा हुआ कौवा, फिर से घोर अपशगुन। ये तो किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत है। ये हो क्या रहा है? बिहारी जी, झूठ ना बुलवाए ताई जी। खास आपके लिए मैंने अपने हाथों से गर्मा गर्म बादाम वाला दूध तैयार किया है। आप कहें तो ले आओ। ताऊजी। अरे ताऊजी, राधे राधे ताऊजी। ताऊजी आशीर्वाद तो दीजिए।
बड़ी जल्दी लौटा है सुबोध के घर से। कौन सी तारीख निकली यश और रिचा की शादी की? वहां घर में घुसने से पहले ही बड़ा अपशगुन हो गया, इसलिए यश और रिचा की कुंडली का मिलन करने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ घर में घुसने से पहले मरा हुआ काला कौवा दिख गया। आज का दिन ही बड़ा अपशगुनी है। ये कोई नई बात है क्या? अपशकुन का और आपका तो जन्म जन्म का रिश्ता है, जहाँ आप वहाँ अपशकुन। रोज सुबह उठते ही नीम के पत्ते खाती हो क्या, जो अपनी जबान से कड़वी बात के सिवा कुछ दिखता ही नहीं? हाँ हाँ, सच सुनना किसे पसंद है, वो भी कड़वा सच। कमंडल लटका के ऋषिकेश में बैठ जाना बड़ा आसान होता है गढ़ साहब, लेकिन जवान बेटी के घर से भाग जाने के बाद मथुरा में रहकर रोज रोज लोगों के ताने सुनना और नजरें चुरा कर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बल्लो भाई साहब के लिए मिठाई और पानी लेकर आओ। राधे राधे भाई साहब। भाई साहब आप तो रिचा के घर यश और रिचा की, क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? ओहो बड़ी आई मिठाई खिलाने वाली, अच्छाई के मूरत बनने का बड़ा शौक है ना तुझे। अरे इनके रहते कभी कुछ ठीक हुआ है जो आज ठीक होगा? वैसे तो घर की बड़ी आप है जीजी, पर सबकी खैर खबर रखने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। फूफा जी, फूफा जी। क्या हुआ बोलकर? फूफा जी संभाल के, बड़े दादू बहुत गुस्से में है, गुस्से में है, गुस्से में है। चलो ताऊ जी। राधे राधे। ताऊ जी क्या हुआ, आप सुबोध के घर के बाहर से ही क्यों वापस लौट आए? आज तो यश और रिचा की शादी की तारीख निकालनी थी ना। आज का दिन बहुत अशुभ संकेत दे रहा है और हमारा मन भी बहुत विचलित है, इसलिए आज हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहते। हमने सुबोध से कहा भी था कि घर में घुसने से पहले इतना बड़ा अपशगुन किसी बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत है। इसीलिए यश और रिचा के विवाह की तारीख निकालने का हमारा मन नहीं हुआ। पर ताऊ जी, जाने कितने दिनों से बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अलका भाभी ठीक कह रही है ताऊ जी, हाँ आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो आप देख लीजिए ना अगर कुछ। हमने कह दिया जो कह दिया। आज हम यश और रिचा का कुंडली मिलन करके उनके विवाह की तारीख नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे मतलब नहीं निकालेंगे। ताई जी आप कुछ करिए ना, किसी तरह मनाइए ताऊ जी को, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। शादी की तारीख निकाल दो तो निकाल दो ना, बेचारे बच्चे 5 साल से एक दूसरे से दूर रहे हैं। अरे कम से कम उनकी खुशी के लिए तो आप अपनी जिद छोड़ दो। आज हमारा मन ठीक नहीं है, यदि मन ठीक ना हो तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। जिंदगी भर अपनी मनमानी करते रहे, अरे कम से कम कभी कभी दूसरों के मन की भी सुन लिया करो। एक बार की कही बात समझ में नहीं आती क्या तुमको? एक बार हमने कह दिया नहीं मतलब नहीं। ना कह दिया तो क्या वो पत्थर की लकीर हो गई जो मिट नहीं सकती? सब समझती हूँ मैं, आपका गुरूर आपके माथे चढ़कर बोल रहा है, अपनी अपनी बेटी के साथ भी आपने यही किया था। आपको तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचना आता है, कोई दुखी हो परेशान हो भाग जाए मर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस बात से मुझे खुशी मिलती है ना, उस बात से तो आपकी खास करके दुश्मनी है। अपने पोते के चेहरे पर खुशी तो देखना चाहती हूँ ना मैं, उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है। इतना स्वार्थी आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा।
जिसका अंदेशा था वही हुआ। अर्थ ही विचलित नहीं हो रहा था हमारा मन। अब शादी की तारीख निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यश और ऋचा की शादी हो ही नहीं सकती। ताऊ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो मन में आता है बोल देते हो। आखिर क्यों नहीं हो सकती दोनों बच्चों की शादी? क्योंकि यश की कुंडली में दोष है। बहुत ही घातक दोष जो एक बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। यदि ये शादी हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शहनाई मातम में बदल जाएगी। खुशियों की जगह आंसू बहेंगे। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नब्बे दिन में यश की पहली पत्नी मर जाएगी। एक अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।